15 अक्टूबर 2019 को दिल्ली होटल के लिए 4,34,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, और वो भी किसके लिए, तो सोभिक चक्रवर्ती के लिए। ये चल क्या रहा है यार। हमारे एसपी, बिहार के एसपी भी गए वहाँ पे और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। सीबीआई मांग हो रही है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, जो मुंबई की गवर्नमेंट है, बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार, भैनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी के, ये बड़वे ये जो पैसे कमा रहे अपने ही देश में रह के और किसी और देश की गुनगा रहे हैं। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। जैसे कि जो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो था वो नेपोटिज्म के ऊपर था बॉलीवुड पे, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। ये मर्डर ही है, सबको पता है, पूरे भारतवर्ष को पता चल रहा है कि ये मर्डर है, कोई सुसाइड नहीं है। तो मैं कुछ फैक्ट रखने जा रहा हूँ रिया चक्रवर्ती के बारे में कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और कातिल कौन है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एक दो महीने हो गए, एक या डेढ़ महीने बोल सकते हैं, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बहुत दिनों से कर रही थी, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं दे रही थी किसी को, ना मीडिया को बता रही थी, ना ही उनके फैमिली को कुछ पता चल रहा था उनके केस के रिगार्डिंग कि अभी केस कहां तक पहुंचा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को जब भरोसा नहीं रहा मुंबई पुलिस पे, फिर उन्होंने FIR किया और बिहार पुलिस को बोला गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब सुशांत सिंह के पिताजी ने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उनके कुक से, सुशांत सिंह राजपूत के कुक से, बॉडीगार्ड से और उनके नौकर से कि क्या हुआ था, तो जब उन्होंने बताया उनके नौकर ने, सुशांत सिंह राजपूत की और उनके कुक ने और उनके बॉडीगार्ड ने, कि रिया चक्रवर्ती आती थी और उन्हीं को पता रहता था कि सुशांत सिंह को करना क्या है, मतलब डेली का रूटीन, सुशांत सिंह राजपूत को कौन सी दवाई लेनी है, किस डॉक्टर से मिलना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कब उन्हें सोना है, कब उठना है, इवन कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारा कुछ वो रिया चक्रवर्ती ही डिसाइड करती थी। इवन किससे फ़ोन पे बात करना है, किससे फ़ोन पे बात नहीं करनी है, ये सारा कुछ रिया चक्रवर्ती ही डिसाइड करती थी। तो ये जो सारा आपका सिनेरियो है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मिला अभी तक उनके कुक से, उनके नौकर से और उनके बॉडीगार्ड से, ये सारा सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बिहार पुलिस को दिया, उनके FIR में ये लिखा हुआ है। तो जब बिहार पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जो भी उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन में उनके नौकर से, कुक से और उनके बॉडीगार्ड से, सेम बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें वो लोग पहले ही बता चुके हैं मुंबई पुलिस को। तो अभी तक मुंबई पुलिस कर क्या रही थी और अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया रिया चक्रवर्ती के ऊपर। एक तो लग रहा है कि इसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है, उनके फैमिली के सारे लोग ही शामिल है इसमें, और क्या कोई बड़ा कनेक्शन है इसमें कि कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। क्या मुंबई पुलिस बिक चुकी है या किसी के कहने पे ये इन्वेस्टिगेशन को रोका जा रहा है और केस को दबाया जा रहा है। हमारे SP, बिहार के SP भी गए वहाँ पे और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, और ये लॉकडाउन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को भी रिया चक्रवर्ती ने हटा दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्या उनके पास पैसों की कमी थी? पैसे की कोई कमी नहीं थी। 15 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है सुशांत सिंह राजपूत पर, लेकिन रिसेंटली कल का या आज का न्यूज़ है कि 15 करोड़ नहीं था, ये 50 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सोभिक चक्रवर्ती भी शामिल है, मतलब उनकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड इस ट्रांजेक्शन में। कुछ फैक्ट्स है जो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार में फैला दीजिएगा, ताकि लगे कि नहीं उनके साथ पूरा देश और पूरा बिहार वासी खड़े हैं। गाइस, तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 15 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो ये लॉकडाउन के दौरान खर्च हुए हैं, और वो भी रिया चक्रवर्ती ने ही किया है, उनके फैमिली वालों ने। लेकिन अभी कल या परसों की न्यूज है कि ये 15 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन लग रहा है। इसमें ED भी अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों को बताने के लिए कि कहां कहां ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जैसे कि 12 अक्टूबर 2019 को 72,000 रुपये का पेमेंट सोविक के लिए किया गया है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से।
और 14 अक्टूबर 2019 को फ्लाइट के लिए 81,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी सुशांत सिंह के अकाउंट से और सोबिक चक्रवर्ती के लिए। और वही 15 अक्टूबर 2019 को होटल में ठहरने के लिए खर्च किए गए हैं, वो भी 72,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के ही अकाउंट से। देखिएगा कितना ट्रांजेक्शन। फिर 15 अक्टूबर 2019 को दिल्ली होटल के लिए 4,34,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, और वो भी किसके लिए, तो सोबिक चक्रवर्ती के लिए। ये चल क्या रहा है यार, कमा कोई और रहा है और खर्च कोई और कर रहा है। और एक और देखिएगा, 26 नवंबर 2019 को न्यू टर्म डिपॉजिट हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किसी और अकाउंट में, वो भी 20 लाख रुपए का। ये सारा पैसा, और वो भी किसके अकाउंट में, सोबिक चक्रवर्ती के अकाउंट में। तो रिया को क्या लग रहा था कि एक सुशांत सिंह राजपूत के कारण और उनके थ्रू अपने पूरे फैमिली को सिक्योर कर लेंगी, मतलब उनके चलते उनकी पूरी फैमिली का खर्च चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के कारण पूरी रिया चक्रवर्ती की फैमिली का खर्च चल रहा था, और वो भी 1-2 रुपए नहीं, वो तो बेचारे पैसे भी खर्च नहीं करते थे ज़्यादा। जो हुआ उसको सबको दुख है, पूरे भारतवर्ष को दुख है, लेकिन उनके फैमिली को, सुशांत सिंह फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। सोचिए, वो एक टैलेंटेड एक्टर, और कहाँ गए हमारे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जब एक कश्मीर में टेररिस्ट मारा जा रहा था तो ये लोग बहुत बोलते थे कि ये देश रहने लायक नहीं है। क्या अभी पाकिस्तान चले गए हैं क्या, ना ट्वीट आ रहे हैं उनका, ना अभी कुछ पोस्ट करे कोविड-19 में, अपने अपने घर चले गए हैं क्या वो लोग, कि कुछ बोल नहीं रहे सुशांत सिंह केस के बारे में। ये तो पूरा दिख रहा है कि ये मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। और अभी न्यूज़ आ रहा है कि कुछ प्रॉपर न्यूज़ ही नहीं है, बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने ही नहीं दिया जा रहा है। 1.5 महीने हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, और ना करने दे रहे हैं। CBI मांग हो रही है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, जो मुंबई की गवर्नमेंट है, बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार, बहन चो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी गए ये बड़वे। उन्हें CBI इन्वेस्टिगेशन मंजूर नहीं है, क्यों ऐसे कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे? क्या उनके कुछ लोग भी शामिल है, क्या रिलेटिव्स के आदित्य ठाकरे शामिल है उसमें, कि नहीं कर रहे हैं मांग CBI के? और जो CBI की मांग कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत की जो अकाउंटेंट थी उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जो अकाउंटेंट आया, शायद मुझे तो लग रहा है कि ये रिया चक्रवर्ती ने ही रखा होगा उस अकाउंटेंट को, ताकि जो भी पैसे निकल रहे हैं ना सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, वो अपने फ़ायदे के लिए रखा होगा। और अभी ऑनलाइन आके एक वीडियो बना के पोस्ट कर रही हैं, वो लग रहा है कि दारू पी कर वीडियो बनाया उसने। तो अभी भारतवासियों जागो, और इन सो कॉल्ड बोलते हैं ना स्टार किड्स, इनकी मूवी नहीं चलनी चाहिए, कोई भी देखने ना जाए, रिक्वेस्ट है। और बिहार में तो वैसे भी नहीं चलेगी इसकी मूवी, किसी की भी नहीं, टैलेंटेड एक्टर की कोई कदर ही नहीं है। और ये जो पैसे कमा रहे हैं ना, ये जो पैसे कमा रहे हैं अपने ही देश में रह के, और किसी और देश की गुनगा रहे हैं। अब दीपिका पादुकोण को ही ले लीजिए, इनकी जो मूवी आई थी छपाक, ये गई थी मैडम JNU में, और जाके वहाँ पे और कुछ पैसे किसी और देश से लेके, 5 करोड़ या 10 करोड़ सुनने में, अब पाकिस्तान से लेके 5 करोड़ या 10 करोड़ लेके, और अपने देश के ही विरुद्ध में उन्होंने बोला था कुछ। तो ये लोग कहाँ हैं आज, क्यों नहीं आ रहे सामने, क्यों नहीं कुछ सुशांत सिंह को फेवर किया जा रहा है बॉलीवुड में? बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल है इसमें, तभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, और ना ही लिया जा रहा है। और सुनने में है कि रिया चक्रवर्ती अपने फैमिली के साथ कहीं भाग गई है, लेकिन कौन भगाया कौन है, जब पूरी मुंबई पुलिस वहाँ पर है तो भगाया कौन है? और सर्च करने क्यों नहीं दे रही है, और इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं दे रही है बिहार पुलिस को प्रॉपरली, क्यों उन्हें रोका जा रहा है? और ये हमारे बड़े बड़े सितारे कहाँ चले गए? ये सुशांत सिंह राजपूत भी तो बॉलीवुड के ही थे, तो इनके पे कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, CBI की मांग क्यों नहीं कर रहा है कोई? तो यही है। तो इंडिया वासियों सुनो, इनकी मूवी कोई मत देखो, पूरे स्टेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जो ये सो कॉल जो स्टार किड्स हो गए, जो बड़े बड़े सितारे हो गए, सलमान खान, आमिर खान, आपके शाहरुख खान, ये किसी की भी मूवी मत देखो, देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग खाएंगे अपने देश का और गुनगाएंगे किसी और देश का। ये सो कॉल दीपिका पादुकोण, इनकी भी कोई मूवी मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है इस पर देखने से। और ये जो भी सबूत है ना, जो भी ये आप जो नौकरों से पूछताछ किया है, वो खुद जो बिहार पुलिस हो गई हमारी, और जो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना, ये सुशांत सिंह के पिताजी ने खुद FIR में लिखवाया है कि रिया आती थी और वो दवाई देती थी उनको, वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे वो बेहोश रहते थे। तो कौन से डॉक्टर से उन्होंने दिखवाया था सुशांत सिंह राजपूत, और कौन सी दवाइयाँ चल रही थी, ये भी तो बता दे आके मीडिया को। रिया कहाँ हो तुम, बता दो आके। गाइज, इसमें रिया की पूरी फैमिली शामिल है साजिश में, क्योंकि ये सुसाइड नहीं लग रहा है, ये मर्डर ही है। तो गाइज, रिया को लग रहा था कि सुशांत सिंह के सहारे बॉलीवुड में वो अपना मामला सेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सका, और जो हुआ उसका दुख तो पूरे देश को है। तो गाइज, ये चाल क्या है, ये रिया का कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है, किसके किसके साथ है,